आज एटक से संबंधित मिड डे मील वर्कर यूनियन की मीटिंग धवांडल स्कूल में संपन्न हुई। सभी सदस्यों ने एटक के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष मिड डे मील वर्कर्स की प्रधान श्रीमती गीता देवी जी की अध्यक्षता में धवांडल स्कूल में हुई मीटिंग में भाग लिया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जिला एटक के उपाध्यक्ष श्री भाग सिंह चौधरी उपस्थित रहे। बैठक में मिड डे मील वर्करों की पेश आ रही समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई तथा इसको लेकर यूनियन ने एक मांग पत्र तैयार किया, जिसे जल्दी ही बीपीओ श्री नैना देवी जी के द्वारा सरकार को भेजा जाएगा और जल्दी जिला एटक की अगुवाई में मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत करवा जाएगा, जिसमें मांग रखी गई कि 25 बच्चों की शर्त हटाई जाए, मिड डे मील वर्कर को सरकारी वर्कर घोषित करें, काम करने वालों को सरकारी कर्मचारियों की तरह 10 की जगह से 12 महीने का वेतन दिया जाए, सैलरी हर महीने 2 या 3 तारीख को दी जाए, बकाया सैलरी का जल्द भुगतान हो, मिड डे मील वर्कर से गाइडलाइन के तहत काम लिया जाए तथा एसएमसी समिति के बजाय शिक्षा विभाग दायरे में रखा जाए, ऐसे कई मांगों पर विचार विमर्श किया गया। मिड डे मील यूनियन के प्रमुख ने कहा कि स्कूल के शिक्षकों द्वारा उनके सदस्यों को प्रताड़ित भी किया जाता है, जो कभी भी सहन नहीं किया जाएगा। बैठक में कांता देवी, सुनीता देवी, प्रवीण कुमारी, चंचला देवी, शकुंतला देवी, सीमा देवी, छोटू देवी आदि कई वर्करों ने इसमें भाग लिया। की शर्त बंद करो, बंद करो, बंद करो। बच्चों की शर्त बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये वर्कर को दैनिक भोगी घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी लागू करो, लागू करो, लागू करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। एवडीएम वर्कर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। एवडीएम वर्कर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 25 बच्चों की शर्त को हटाया जाए, हटाया जाए, हटाया जाए। एमडीएम वर्कर को कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। एआईटीयूसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एआईटीयूसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एवडीएम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। आवाज दो, आमीन। आवाज दो, आमीन। एआईटीयूसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एटक जिंदाबाद। मैं उपाध्यक्ष एआईटीयूसी जिला एटक का, मैं आपके सामने जो आज हमारा ये मीटिंग हुई, वो मीटिंग का हमारा प्रोग्राम था, ये एमडीएम वर्कर की मीटिंग इसलिए रखी ही क्योंकि जो ये हमारे एमडीएम वर्कर हैं, इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, इनका जो शोषण हो रहा है, उस शोषण के विरुद्ध हमने ये मीटिंग रखी है। क्योंकि स्कूलों में, कई स्कूलों में ये शिकायतें आ रही है कि इनको टीचरों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, या इनकी जो है सैलरी जो है 5-5 महीने से नहीं पड़ रही है। किसी वर्कर को हमारी वहाँ जो एसएमसी कमेटी है उसके माध्यम से रंजिश की वजह से हटाया जा रहा है, तो इन मुद्दों पर हमारी चर्चा थी और हमने ये प्रशासन कमेटी व शिक्षा विभाग को ये चेताया है कि इन वर्करों का शोषण करना बंद करें, अन्यथा जो है एआईटीयूसी एटक पूरे जिले भर में, पूरे स्टेट में जो है जोरदार प्रदर्शन भी करेंगी और इनकी मांगों को लेकर हम जल्द ही प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री से मिलने का भी हम प्रोग्राम तय कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। जो आपने इसके मुद्दे और बैठक की, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मैं एमडीएम वर्कर सोहरकट ब्लॉक की प्रधान श्रीमती गीता देवी जी, आज जो हमारी यहाँ पे मीटिंग हुई वो इस तरह थी कि जब हमारे स्कूल में 26 बच्चों से एक बच्चा कम हो जाता है तो वर्कर को हटाया जाता है, वो बिल्कुल नहीं होगा। हमारे जो वर्कर है 19 या 20 साल बाद घर को जा रहे हैं, उनको हटाना बंद करें सरकार। और हमें जो है 12 महीनों की बजाय 10 महीनों का ही मानदेय मिलता है, छुट्टियों के पैसे कटते हैं, वो भी बिल्कुल सरकार इसको बंद करे, हमें 12 महीनों का मानदेय। और हमें जो सैलरी मिलती है 4 या 5 महीनों के बाद खाते में डलती है, वो भी बंद होने चाहिए, 2 या 3 तारीख तक हर महीने वो सैलरी मिलने चाहिए। इन्हीं विभिन्न मुद्दों पर हमने चर्चा की। ये जो आपने आज कार्यक्रम किया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था जी? आज का जो कार्यक्रम है,
मैं भाग सिंह चौधरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिला एटक। आज का कार्यक्रम हमारे इस ब्लॉक के, नैनदी ब्लॉक के जो एमडी वर्कर है उनकी ये बैठक हो रही है। इस बैठक के अंदर ये चर्चा हुआ कि एमडी वर्कर को जन्म से लेकर आज तक जो मानदेय मिलता है वो नहीं मिला। पहली बात कि मानदेय ही इनको बड़ा कम है, अगर है तो समय पर नहीं मिलता, और यहाँ तक कि इनको एक महीने के बाद दूसरे महीने दुकानदार भी उधार देना बंद कर देते। और दूसरी बात ये थी कि सरकार ने जहाँ 25 वर्कर से को एक वर्कर भी कम हो गया तो इनके वर्कर की छुट्टी कर देते हैं। हमारी ये मांग है सरकार से कि 25 बच्चों की शर्त जो है इसको हटाया जाए। अगली बात हमारी ये है कि तमाम आउटसोर्स जो स्कीम वर्कर्स हैं इन वर्करों को दैनिक भोगी घोषित किया जाए। नेक्स्ट हमारी डिमांड है कि जब ये रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, तो इनको एक पैसा नहीं मिलता है। हमारी ये मांग है कि केरला की तर्ज पे जब ये रिटायर होती हैं हमारी बहनें तो इनको गृहस्थी और जो अन्य सेवानिवृत्ति लाभ है वो दिए जाए। इसके अलावा उनमें से बहुत सारे और जो यहाँ पर ESI लागू हो, यहाँ पर PF लागू हो, किसी को घटना घट जाए उसको पाठशाला के अंदर। ये खाना बनाने वाली हमारी महिला है, पिछले समय 12वीं के अंदर एक सिलेंडर फट गया था तो हमारी महिला इंजर्ड हो गई थी। तो हमारी ये मांग है सरकार से कम MDA वर्कर का 25 लाख का बीमा हो, और अगर कोई घटना घटती है तो उसके परिवार को नौकरी दी जाए। तो सबसे बड़ी मांग हमारी है कि इनको दैनिक भोगी घोषित किया जाए। आज का ये जो हमारी बैठक थी इसमें एजेंडा तैयार किया गया। ये एजेंडा हम यहाँ जो हमारे VEO है, ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर है, उसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की सरकार को भेजेंगे। अगर सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो हमारा ज़ोरदार प्रदर्शन होगा और जिसकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार की होगी।